खुदा ने बरकतों में कोई कमी नहीं की, मगर कहते हैं ना कि किसी को भी मुकम्मल जहां नहीं मिलता। शायद यही वजह है कि चाय की पत्ती और दूध का वो आइडियल कॉम्बिनेशन नहीं सेट कर पाया कभी, और उस जायके से हमेशा महरूम रहा जो या तो अर्धांगनी के हाथों से आता है या फिर SSP चौराहे पर गुप्ता जी की चाय की दुकान पर। कोशिश मैंने की कई बार सुबह की गर्मा गर्म चाय परोसकर कुछ तारीफ के तड़के से दिन का आगाज हो, मगर पहले ही घूंट में अरमानों का कत्ल कैसे होता है ये कोई हमसे पूछे। वैसे बीवी नाराज नहीं होती, उस मामले में किस्मत का धनी हूं, लेकिन उसकी आंखों में एक हताशपन जरूर दिखता है, जैसे पप्पू के बार बार फेल होने पर उसकी मां की नजर में दिखता होगा। कई तरीके इस्तेमाल किए मैंने पास होने के लिए, पहले पानी में पत्ती उबाली फिर दूध डाला, तो दूसरी मर्तबा दूध और पानी मिलाकर चाय की पत्ती डाली, फिर दूध को पहले गर्म करके भी डाला, मगर नतीजा वही। एक बार तो गुप्ता जी की दुकान पर 4-5 चाय पी गया मैं। ऐसा शौकीन नहीं हूं चाय का, वजह और थी, उस सीक्रेट रेसिपी को चुराने का एक मास्टर प्लान। मेरी निगाह एक टक उस भिगोने पे थी जिसमें गुप्ता जी के हुनर का राज छुपा था। उनकी एक एक हरकत पर मेरी पैनी नजर थी, गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। मुझे उनके और मेरे तरीके में कोई ज्यादा फर्क तो नहीं नजर आया, मगर एक चीज मुख्तलिफ थी, वो दूध और पत्ती को 1 मीटर ऊंचाई से भिगोने में निशाना लगाकर डाल रहे थे। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और गुप्ता जी ने मेरी नीयत भांप ली और एकदम एक बड़ा सा गत्ता रख दिया सामने, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। SSP चौराहे पर दिन दहाड़े एक ऐसी चाय की चोरी हो गई जिसका खुलासा 11 मुल्कों की पुलिस मिलकर भी नहीं कर सकती थी। खैर, वो वक्त दूर नहीं था जब पूरी कायनात हमारी चाय का लोहा मानने वाली थी, और अगर अर्धांगनी से सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिल जाए उससे बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती थी। और फिर शुरू होता है हमारा रियाज। 1 मीटर ऊंचाई से दूध पत्ती डालना अपने आप में खासी मशक्कत है, कई बार गिरकर संभले और आखिरकार फतेह का झंडा लहरा ही दिया गया। इतवार का दिन था और 2 प्याली में हमने बड़े फख्र से खुद के हाथ से बनी चाय नजर की। वो कुछ खास ही लम्हे होते हैं जब आप अपने दिल की धड़कनों को खुद सुन सकते हैं। अर्धांगनी ने पहला घूंट जो लिया, हमारी तो जैसे सांसें थम गई। वो मुस्कुराई और इशारा किया कि हम भी उनका साथ दें। उनकी मुस्कुराहट से हम ये तो समझ गए थे कि आज का वाकया तारीख में सुनहरे अक्षरों से दर्ज होगा और आने वाली नस्लों को यह पैगाम जाएगा कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और यही सोचते हुए पहला घूंट जो अंदर गया, क्या बताएं, हमारे अरमानों का बुर्ज खलीफा चरमरा कर हमारे ही सामने आ गिरा। अर्धांगनी की मुस्कुराहट असल में मुस्कुराहट नहीं थी, मगर चाय रूपी डीजल चक कर कोई मुस्कुरा कैसे सकता है, ये आज भी एक राज है। खैर, गुप्ता जी का साम्राज्य बरकरार है और मेरा अध्ययन भी। 1 मीटर ऊंचाई से चाय की पत्ती डाली जाए तो हवा से कितना नाइट्रोजन मिक्स होता है एंड प्रोडक्ट में, या दूध में कितना ऑक्सीजन मिक्स होता है, इसका जवाब तो शायद गूगल के पास भी नहीं। एनीवे, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट तो लेना है, वो दिन कभी तो आएगा।